ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, है ना। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर डी एक जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर है ऐसा लिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया? स्पेसिफिक एम्प्लॉई है, बस अपने दिमाग में इस चीज को रखना, ठीक है, ये कौन है? स्पेसिफिक एम्प्लॉई है। आगे हु इज विच इज कवर्ड अंडर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम लिखा हुआ है, यानी कि आरपीएफ इनके ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा जी, और वो रिटायर हो गए कब? 31/12/2022 में, 20 सालों की सर्विसेज के बाद। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेचुटी हो सकती है, लीव सैलरी एनकैशमेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड दिए हुए हैं, ठीक है जी, और रिटायरमेंट की डेट दी हुई है। तो रिटायरमेंट के बाद हमें क्या मिला होगा जी? सिर्फ पेंशन ही मिली होगी। चलिए, ही सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड अप्रूव्ड सेविंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हमारे पास में सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ, तो फ्रॉम 1/2/2022, 1/2/2022 का मतलब क्या है जी? फरवरी के महीने से इनकी सैलरी इतनी थी, 1/2/2022, ठीक है। तो इनको सैलरी कितने महीने की मिली है? अगर मैं 1 अप्रैल से चालू करता हूँ, 9 मंथ्स की, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे अपने पास में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑफ मिस्टर सो एंड सो, जो भी वो थे, मिस्टर एक्स, फॉर असेसमेंट ईयर, बेसिक सैलरी कितनी बताई गई थी क्वेश्चन में? 15,000 × 9 कितने होते हैं? 1,35,000। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, डेनेस अलाउंस मिला 1,500 रुपए पर मंथ, 50% जो था वो पार्ट ऑफ सुपर इनोवेशन फंड था, यानी कि रिटायरमेंट के लिए था। तो हमारे पास में हमने क्या लिख दिया? डीए तो फुली टैक्सेबल होता है ना, 1,500 × 9, ये भी हो गया 13,500। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है पेंशन 4,000 पर मंथ मिल रही थी। सबसे लास्ट में कंप्यूट करेंगे इसको, ठीक है, फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 फरवरी 2022, रेंट पेड बाय हिम 4,000 पर मंथ, ठीक है सर। तो हमने लिखा अपने पास में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव हुआ उनको? 3,000 × 9, और एग्जाम्ड कितना होगा? आइए कंप्यूट कर लेते हैं, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए, एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए जी, मुझे प्रोविजन याद नहीं है, आप याद दिलाएंगे क्या? पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव, बिल्कुल सही, एक्चुअल अमाउंट रिसीव में क्या लिख दूं मैं? जो एक्चुअल रिसीव है 3,000 × 9, 27,000, ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। दूसरा ऑप्शन क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, हाँ मुझे भी याद आ गया, यही था, शुक्रिया, 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का क्या मतलब होता है यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इसके अंदर। बेसिक सैलरी आप लोग कह रहे हैं, बेसिक सैलरी डीए रिटायरमेंट,
और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स बीसीडी नाम दिया था हमने शायद इसको। हाँ ठीक है, तो यही ले लेते हैं फिर आज, एक दो और ये तीन। बेसिक सैलरी कितने महीने की ले लो, 12 महीने की, 9 मंथ्स की, इसलिए क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, नहीं इसलिए क्योंकि एचआरए 9 मंथ्स के लिए मिल रहा है, जितने महीने के लिए एचआरए मिलेगा उतने मंथ्स की ही सैलरी लेनी होगी। तो वो सैलरी कितनी थी, 15,000 इंटू 9, और डीए कितना था, 1500 इंटू 9 का कितना परसेंट रिटायरमेंट के लिए था बोलिए, 50%। और फिक्स कमीशन ऑन सेल दी हुई थी क्वेश्चन में, नहीं दी हुई, तो निल ले लेंगे। तो आउटर कॉलम में हमारे पास ये आ जाएगा, आपने बताया था 1,35,000, ये इसका 50% कितना है, 6750, और नील का तो नील ही रहेगा। यस सर। तो टोटल कितनी आ जाएगी सैलरी, 1,41,750। ठीक है सर। अब रेंट पेड था हमारे पास में 4,000 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 14,175 ले लेता हूं मैं। तो ये सेकेंड ऑप्शन में कितना आ जाता है, जल्दी बताइए, 21825। इतना ज्यादा, 218,250। ठीक है। अच्छा अब इसकी सिटी दी हुई है क्या क्वेश्चन में, सिटी नहीं दी हुई तो हम मानते हैं अदर सिटी में, तो 40% ऑफ सैलरी ले लेते हैं उस केस में, 1,41,750 का कितना आ गया सर, बताइए, 70,850। अब सबसे छोटा कौन सा है सर, यही है सेकंड वाला ऑप्शन, तो 21,825 जो है वो एग्जाम हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 56,700। तो मुझे गलत क्यों लिखवाते हो तुम, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा तुमसे परेशान, 56,700। ठीक है, 21,825। और ऊपर था ये कितना, 27,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, 5175। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया एचआरए। एचआरए के बाद क्या दिया हुआ है हमें, he received 5,30,000 as gratuity, और कुछ नहीं बताया हुआ हमारे को, covered है, uncovered है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बोला हुआ। तो चलो फिर वर्किंग नोट बनाते हैं इसका भी, हाँ लिख लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन of income from, ये मैं बार बार income from लिख देता हूँ, computation of exempted amount of gratuity, in case of non-government employee, who is not covered under payment of gratuity act,
ठीक है सर। अब पहला जो पॉइंट था इसका वो था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और वो कितनी थी ग्रेच्युटी अपने पास? 5,30,000। और दूसरा अमाउंट था लिमिट कितने की? 20 लाख की। ठीक है सर। और तीसरे वाले में 15/30 करूंगा या 15/26 करूंगा? चलो तुम कह रहे हो 30 कर लेता। 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है, एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी नंबर ऑफ इयर्स। भाई साहब यहाँ सैलरी का मतलब क्या वही होगा जो एचआरए के लिए ऊपर निकालते हैं? नहीं, ये बताओ मेरे को कि सैलरी का मतलब क्या है, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सही। तो हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे वही आ जाएगा जैसे एचआरए वाली थी, एज इन एचआरए। लेकिन एचआरए वाली तो थी 9 महीने की, हमें चाहिए 10 महीने की, हम कैसे लेकर के आए? 10 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 10 से, तो वही आ जाएगा अमाउंट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या ले लेते हैं अपने पास में, एक तो हमारे पास जो था बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के अंदर क्या आ जाता है सर? 15,000 पर मंथ था और फ्लक्चुएशन कोई हुई नहीं थी, और डीए का रिटायरमेंट वाला लेना है तो 1500 का 1500 का आधा ले लेता हूं, 50% था ना, और प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल तो यहां पे है ही नहीं, तो उसको निल ले लेता हूं। तो ये 3 चीजें हैं हमारे पास में। ओके, अब इनको सॉल्व करूंगा, 15/30 करूंगा इसका, और नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड 20, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे पूरे पूरे 20 साल दिए हुए हैं मेरे ख्याल, अगर ये 20 साल 7 महीने होते तो 20 साल ही लेते, क्योंकि अनकवर्ड के अंदर पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को हम नहीं मानते, कवर्ड के अंदर मानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 ईयर्स से। अब मुझे पूरा सॉल्व करके बता दो यहाँ पे कितना आएगा, ये 15,000 प्लस 1500 का आधा 750, ठीक है ना। अब 1,57,500 तीनों में से सबसे छोटा है तो यही सेलेक्ट कर लेते हैं सर। तो हम यहां लिख देंगे ग्रेच्युटी, कितनी रिसीव हुई थी? 5,30,000, और 5,30,000 में से हमने माइनस कर दी 1,57,500, तो रिमेनिंग कितना आ गया जी? ये रिसीव था और ये एग्जम्प्ट था। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 3,72,500। अच्छा जी, आगे चलते हैं। He received 1,57,500 for encashment of 10 month unutilized leave as per rules of company. He was entitled to 1 month leave for every year of service. During the service period, he availed
10 month earned leaves. मतलब during the service he has availed 10 month earned leaves. मतलब उसने 10 महीने की छुट्टियां ले ली थी. 10 महीने की छुट्टियां कितनी हो गई कि 300, क्योंकि एक साल में वो 30 छुट्टियां ले सकता है, तो 300 ले चुका था. 300 छुट्टियां ले चुका था तो रिमेनिंग उसकी अर्न लीव्स हो जाएंगे. तो आइए इसको भी कंप्यूट कर लेते अपने पास में. यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं क्या लीव सैलरी एंड कैश. ₹1,57,500 था. अब जैसा कि आप लोग प्रोविजन लर्न करके बैठे हुए, तो एक काम करते हैं कि आप मुझे प्रोविजन बताते जाइए और मैं जो है क्वेश्चन करता जाऊंगा. तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 है. क्या है ये? कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ऑफ ग्रेच्युटी, सॉरी लीव सैलरी एंड कैश. ठीक है सर. सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये तो हमेशा मुझे याद रहता है. ठीक है जी. और वो था 1,57,500. और दूसरा पॉइंट जो है वो है लिमिट, ये 3 लाख की है, ये भी मैं बता देता हूं तुम्हें. और तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ एवरेज सैलरी थी. दुष्ट बालक नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई हर बार नहीं करते हैं. वहां ऑप्शन 3 में क्या लिखा है? 10 टाइम्स इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. तो ये भी आ जाएगा. अभी निकाली है हमने 1,57,500. अभी ऊपर निकाली थी, ये देखो ये निकाली थी. सर इसमें डी फुल्ली है. ठीक है जी, ये हमने निकाली थी अभी. और ये हमारे पास में नंबर 4, ये होता है इनकम टैक्स का जो होता है और ऐड करते हैं और एवरेज सैलरी यानी कि 1,57,500 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट है ना. बोल नहीं रहे हो तुम लोग? प्रोविजंस लर्न कर लो बच्चों. हम यहाँ पे कंप्यूटेशन कर लेते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ अर्न लीव्स. As per income tax. जी जनाब, कैन अवेल कितने थे? As per employer. और ये as per income tax. कैन अवेल थे 30 और income tax के हिसाब से भी 30 है ना. नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड कितने थे? 20 ईयर्स. तो टोटल कैन अवेल कितनी थी छुट्टियां? 600. 30 × 20. अर्न लीव्स कितनी है? 300. तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? अवेल्ड लीव्स 300. इसको इधर लेके गया तो यहां भी 300 ही आ.
ये है अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। तो अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स कितनी है जी, 300। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 157,500 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 300 कितना आ गया ये 157,500। अरे मैंने एवरेज सैलरी ली थी, ये एक जीरो फालतू लगा दिए मैंने, यहाँ ये जीरो फालतू लगा दी मैंने गलती। तो ये कितना आ जाएगा 157,500। दो अमाउंट सेम हो गए, अब देखो दो क्या तीन अमाउंट सेम हो गए, एक दो और तीन। अब बताओ कौन सा वाला है सबसे छोटा, सबसे पहला वाला सबसे छोटा, ठीक है जी। तो यही एग्जाम्पल हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्पल हो जाएगा सर ये। तो फिर तो ये 157,500 और आउटर कॉलम में मिल, ठीक सर। अच्छा लीव सैलरी एनकैशमेंट के बाद में एन एम्बेसडर कार, एम्बेसडर कार का मतलब क्या है जी, महंगी कार प्रोवाइड की, महंगी नहीं बड़ी, 1.6 लीटर से इंजन के प्रेस्टीज आ रही है। एन एम्बेसडर कार एम्बेसडर मॉडल है उसका, एन एम्बेसडर कार विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 1.6 लीटर इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। अच्छा जी ठीक है। Expenses of running and maintaining and salary of driver are borne by the company. लो जी पूरा ही मजा दे दिया उसको। पहले तो सबसे पहले बताओ दिया क्या क्या, एक तो कार दिया है और साथ में रनिंग एंड मेंटेनिंग, ओके सर ड्राइवर भी दे दिया। अच्छा ठीक है, पहले तो कार, पहले तो केस वन आ गया हमारे दिमाग में कि कार भी दी है और रनिंग एंड मेंटेनिंग भी दिया है, ओके सर। अब किस पर्पज के लिए दिया, ऑफिशियल पर्सनल या पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, यानी कि अपने दिमाग में आ गया तीसरा वाला केस, केस टू का तीसरा वाला केस, ठीक है ना। अब उसके अंदर लिमिट क्या थी, हमें देखना था बिग कार या स्मॉल कार, ये बिग कार है, ये बिग कार है, और बिग कार का रेट कितना था 2400 रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। तो 2400 रुपए पर मंथ और प्लस ड्राइवर भी दिया साथ में, तो 900 उसका भी। तो बताओ इतना बड़ा पॉइंट और सिर्फ थोड़ा हमने दिमाग लगाया, अगर पिक्चराइजेशन कर सकता हूँ दिमाग में तो मेरे पास में मेरा जवाब आ गया 2400 + 900 × 9, ये टैक्सेबल हो जाएगा। जी जनाब ड्राइवर का बिना मंथ के नहीं था, मंथली था 900 रुपए, तुम पर एनम में 900 रुपए के अंदर ड्राइवर लेके आ रहे भाई, इतना सस्ता ड्राइवर मिले मुझे भी बता देना, मुझे जरूरत भी है ड्राइवर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है जी, मैं यहाँ पे मोटर कार फैसिलिटी लिख देता हूं, मोटर कार फैसिलिटी सर कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस के लिए अपने को टैक्सेबल हो रहे हैं 2400 रुपए पर मंथ, और साथ में ड्राइवर भी दिया हुआ है तो 900 रुपए उसके भी टैक्सेबल हो रहे हैं हमें। यहाँ ऊपर वाला कितना आया, 21,600 और ये 8,100 whatever। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ इस सैलरी टू फंड, टू फंड विच फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज As information provided above, ठीक है। तो he contributed लिखा हुआ, he contributed 20% of his salary to fund, which include 12% voluntary contribution and 8% compulsory contribution. We are hardly concerned about the क्या नाम है ये अपना contribution by employee. Why so? Because it's not the part of salary. It's just the part of deduction under section 80C. And we are computing here salary only. So हमें सोचना ही नहीं है employee contribution के बारे में अभी, वो तो बाद में last में देखेंगे।
अच्छा अब आगे की इंफॉर्मेशन, द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ इट्स सैलरी टू इस फंड। ओ माय गॉड, मतलब वट एवर ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी एंड ऑल्सो कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटेड अप टू 12% विच इज अंडर द लिमिट ऑफ एग्जामिशन, isn't it? Yes, it is. So full amount by employer or company shall be exempt in his hand. तो हम क्या लिखेंगे, RPF employer contribution और outer column में taxable point का part क्या, taxable salary का part नहीं, क्योंकि 12% तक तो होता है। अच्छा मुझे बताना interest कितना percent तक exempt होता है, 9.5% तक, जी हाँ, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं हुआ। अच्छा अब आगे चलते, द कंपनी पेड 8000 टू क्विक गैस गैस सर्विस फॉर द यूज ऑफ कुकिंग गैस बाय हिम, बाय होम, बाय कंपनी, ओ बाय एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या करता था, एम्प्लॉय कुकिंग गैस यूज करता था और कंपनी जो है ना, कंपनी ने वर्ड किया, वर्ड क्या लिखा हुआ वहां पे, पेड। पेड मींस कंपनी इज रीएम्बर्सिंग द अमाउंट। दो पॉइंट थे इसमें, इफ द अमाउंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज पेड बाय एम्प्लॉई एंड देयर आफ्टर ही रिकवर्ड इट फ्रॉम कंपनी, then it is taxable in the hands of both class of employee, whether the employee is general employee or specific employee. But if company is providing some water, gas or electricity facility to him, well in that case ye nahi likha hua hoga ke amount paid by company, ye likha hua hoga facility provided to him having fair market value so and so, यहाँ पे पेड वर्ड यूज किया हुआ है, तो दैट मींस वी आर अज्यूमिंग दैट द अमाउंट इज रीएम्बर्स एंड एवरी टाइप ऑफ रीएम्बर्समेंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ एम्प्लॉई। सो इज इट फुली टैक्सेबल? यस सर, इट इज फुली टैक्सेबल। सो 8000 वाज द अमाउंट व्हिच वाज पेड बाय कंपनी और रीएम्बर्स बाय द कंपनी। हाउएवर इट वाज a usual practice of company to hold its business dinner at his home. Okay, so kya karein phir, ab bataiye kya likha hua hai, kehta hai usual practice thi, kripya dhyan dein, ye usual practice thi, ab usual practice kya thi, dhyan se sunna, maan lijiye aap mein se koi ye Sumit mera employee hai, ab हम ना एक छोटी सी कंपनी रन कर रहे हैं जहां पे मेरे एम्प्लॉइज को, यानी कि आप सबको, मैं अपने दोस्तों को इतना ही ट्रीट करता हूँ जैसे अमित सर आते हैं कहते दोस्तों, मैं ना कभी भी बच्चों कहते भी नहीं सुना हूँ, दोस्तों ही कहते। तो मान लो, तो मैंने क्या किया जी, मैंने एक फैसिलिटी दे रखी है, बिल्स पे किए हैं मैंने किसके, सुमित के बिहाफ, ठीक है जी, इसको रीएम्बर्स कर दिए, ओके जी। अब सुमित के बिहाफ पे मैंने, कंपनी ने बिल पे कर दी है, रीएम्बर्समेंट कर दी है, और हम क्या करते थे आम तौर पे इसके घर पे जाकर के डिनर्स वगैरह करते रहते थे, ऑर्गेनाइज करते रहते थे। तो ये दिमाग में आ रहा है क्या, ऑफिशियल पर्पस है क्या, हम इसके घर पे ना मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहते थे। तो ये क्या, जो 8000 रुपए की फैसिलिटी दी है इसको क्या मानू, ऑफिशियल पर्पस मान लू या पर्सनल पर्पस मान लू? मैं बताता हूं तुम्हें एक बात, यहां ना चीज मिसप्रिंट है, ये पता है, सीधी सी बात इतनी हो रही है कि मैंने एक फैसिलिटी आपको दी है 8000 रुपए की, उसके बाद में आपसे उस फैसिलिटी में शेयरिंग भी ले ली है। अगर ये शेयरिंग होती पूरी, मतलब मान लो यहाँ लिखा हुआ होता था 5000 रुपए जो थे उसके फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो हमने इसके घर में आमतौर पर डिनर किया पूरे महीने में और हर महीने 5000 रुपए का करते थे, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाती सर, 3000। ये बात समझ में आती है आप लोगों? अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो उसकी अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशन है या कुछ भी है, ये उसको पर्सनल क्या नाम है, बेनिफिट के लिए 8000 रुपए के जो बिल्स थे वो रीएम्बर्स किए गए थे।
तो हम ना कहने का मतलब क्या है कि हाउएवर से लेकर के यहाँ तक की इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं, कारण क्योंकि यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ कि कितना वैल्यू हमारी आम प्रैक्टिस के अंदर जो था वो हम इसके खाने पीने पे जा करके, क्योंकि अगर होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर हम पूरा का पूरा माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि भाई वो पूरा का पूरा अमाउंट उसी में कंज्यूम हो जाता है, फिर वो उसकी पर्सनल नहीं रह जाती। तो बातें समझ में आई मेरी जो मैंने आपको कहा कि मैं क्या अजम्पशन ले रहा हूँ? मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, मैं ना इसको ना पहले तो बिल्कुल इस लाइन को ही कट कर देना अपने दिमाग से कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ, और अगर फिर भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा तो भैया पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दो, यहाँ पे मिस प्रिंट है 3000 दो, 5000 दो, कुछ भी दो, और उसमें से फिर 8000 रुपए को डिडक्ट कर देना। ठीक है, तो मैं इसको पर्सनल पर्पज के लिए मान रहा हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी क्या बोल क्या लिख दूं मैं इसको, क्या है ये गैस फैसिलिटी। अच्छा ये 8000 पर मंथ था क्या? नहीं, टोटल लिखा हुआ इन टोटैलिटी, तो 8000 का 8000 मैं आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देता। आगे चलते हैं, लिखा है ही हैज इन्वेस्टेड 13000। अब देखिए ये जो 10th और 11th पॉइंट है ना इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये चैप्टर हमने किए ही नहीं है, ये एटीसी का है और हम डिडक्शंस पढ़ेंगे एटीसी डी जो भी होंगे सबको इग्नोर कर दो। अभी हमें ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी निकालनी थी, बस वो हमने अब निकाल ली है, तो हमारी ग्रॉस सैलरी ये आ जाती है जो भी आ जाएगी। ठीक है, जो भी आ जाएगी। ये हमारे वर्किंग नोट है, पेंशन रह गई। जी जनाब बिल्कुल सही कह रही है, बुढ़िया ने बिल्कुल सही बताया, कहते सर आपने गलती कर दी, आपके नंबर काट लूंगी मैं। मैंने कहा मैडम बिल्कुल सही, पेंशन रह गई। पेंशन रह गई 4000 इनटू कितने महीने? 9। अरे दुष्टो पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, पगला गए होगा। 3 महीने की, जनवरी फरवरी और मार्च, बताओ लास्ट में जाकर के मतलब कर ही दिया ना तुमने भी कांड, फिर 9 महीने पेंशन भी साथ में ही चलाओ उसकी है। जनवरी टू मार्च, हाँ जी ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बाबू वाला क्या लिखा हुआ है? बाबू ज्वाइंट कंपनी ऑन 1st June 2022 एंड वॉज पेड, ये मैं नहीं करूंगा ये आप लोग करेंगे। ठीक है, वॉज पेड फॉलोइंग, ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं हमारे को। ठीक है जी, बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 25000 रुपए पर मंथ, डीए है 10000 पर मंथ, बोनस इसको मिला है 50000 पर मंथ, नहीं है बेटा ये गलती से छप गया पर मंथ, हर महीने बोनस तो मिलता ही नहीं है। यार मिसप्रिंट हो जाता है यार, तुम क्यों मतलब छोटे बच्चे हो गया जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को 50000 पर एनम मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लोग जो गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको मैंने खुद ही एडमिट कर लिया, अब आप लोग की कर रहे हो। आगे देखो, हाँ जी सर ऐसे ही करना जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्निश्ड एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन है ये, और नहीं मुझे मुझे रूल नहीं पूछने आपसे, आप अपना टेस्ट समझ करके इसको कीजिए। ठीक है, प्रोविजन भी मत देखना, याद करने की कोशिश करना। अच्छा सुनो क्या लिखा हुआ, पहले डिस्कस तो कर लें एक बार, क्या पता कोई पॉइंट आपको समझना है। अच्छा तो फर्निश्ड एकोमोडेशन का मतलब क्या है जी, विद फर्नीचर रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला हुआ है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिया है जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अब इसके प्रोविजन क्या कहते थे, 15% ऑफ सैलरी, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पॉपुलेशन तो 15% ऑफ सैलरी हम लेते थे। अच्छा जी फर्नीचर भी है इसके अंदर, कितने का? 3 लाख रुपए का। तो अगर फर्नीचर होता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो है वो एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। फर्नीचर मिला, हां जी इसमें फर्नीचर मिला उसकी एकोमोडेशन की वैल्यू दी थी अलग से। एकोमोडेशन की वैल्यू क्यों देंगे वो, अगर दी होती, चलिए मैं आपको कहता हूं
ये 5 करोड़ का बंगला उन्होंने उनको दिया, तो अब आप क्या करेंगे बोलिए? तो फुली टैक्सेबल लेते और किसको सर? ये 5 करोड़ को फुली टैक्सेबल ले लेते होता। अच्छा अच्छा, ये नया रूल आया सर, प्लीज इसको आप लोग भी नोट कीजिए कि आज से एकोमोडेशन 5 करोड़ का फुली टैक्सेबल होने लगा है। अब आप जरा देखिएगा, उसकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपए जाएगी और 5 करोड़ रुपए अलग से टैक्सेबल, तो 5 करोड़ 7 लाख रुपए के ऊपर वो टैक्स देगा जस्ट बिकॉज वो एक स्टाफ क्वार्टर में रह रहा है। कैसी बातें करते हो और क्यों करते हो ऐसी बात? सुनो बेटा, प्रोविजन लर्न करो माइंड में, क्या था ओल्ड बाय एम्प्लॉयर के अंदर 3 चीजें होती थी, हाँ मिक्स हो गए हैं, तो मिक्स ना हो इसी के लिए तो कह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, इधर सुनो, 3 होते हैं ना, या तो 15%, 10% या 7.5% सैलरी निकालेंगे। सैलरी का मतलब आप लोगों को मालूम है, ठीक है जी? ये सैलरी अलग वाली सैलरी थी जिसमें ऑल अलाउंसेस टैक्सेबल होते, टैक्सेबल अलाउंसेस ही लेते हैं केवल। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि हमारे पास में 15% लेना है हमने, और 15% लेने के बाद में हमें क्या करना है जी, उसके अंदर वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर देनी है। 15% ही क्यों लेना है, पॉपुलेशन और भी तो हो सकती है, लेकिन एज पर करंट सेंसस 25 लाख से नीचे कोई सिटी ही नहीं, तो 15% ऑफ सैलरी ही लेंगे। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ अगले पॉइंट के अंदर, मोटर कार ओन्ड बाय द कंपनी, यानी कि मोटर कार किसकी है? कंपनी की है, एम्प्लॉयर की है, ठीक है जी? वो उसने प्रोवाइड की है अलोंग विद शॉफर, शॉफर मतलब ड्राइवर, ठीक है जी, फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, ठीक है सर। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई किस लिए, क्या नाम है, दिया गया है इसको, किस लिए दिया है इसने, इसने इसको किसको दिया, लिखा हुआ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए उसने उसको क्या दी है, कार दी है, मोटर कार दी, ठीक है जी? और कौन सी कार दी है जी, लेस देन 1.6 लीटर, यानी कि स्मॉल कार, और सिर्फ कार ही दी है, रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, है ना, कहीं लिखा नहीं है तो हम मान थोड़ी ना लेंगे जबरदस्ती। रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस जब नहीं दिए हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? स्मॉल कार का अमाउंट कितना था भाई, पूछ रहा हूं मैं, रनिंग एंड मेंटेनिंग नहीं दिए हैं, सिर्फ केस वन है ये, केस वन में स्मॉल कार का अमाउंट 600 रुपए है, याद नहीं है आप लोगों को, और प्लस 900 रुपए ड्राइवर के मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ जितने भी होंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे स्वीपर सैलरी पेड बाय कंपनी, वॉचमैन सैलरी पेड बाय कंपनी, ये दोनों को ऐड करके 3000 रुपए इनटू मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे गार्डनर दिया होता तो क्या होता, गार्डनर टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि जो है फर्निश्ड एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो हाउस के साथ दिया, वो हाउस के अंदर ही होता है, ठीक है जी। एजुकेशन फैसिलिटी दी गई है 2 बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल जो है वो ओन्ड एंड मेंटेन बाय कंपनी है। अब यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं आगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज 1500 पर मंथ पर चाइल्ड, बोलो कहां तक एग्जम्प्ट होता है? 1000 तो 1000 तक एग्जम्प्ट होगा और 500 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, 1000 से ऊपर है, हाँ, तो मैंने लिखा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख रुपए गिवन ऑन 1/10 फॉर परचेज ऑफ हाउस, नो रिपेमेंट मेड, SBI का रेट कितना था, 12.5% था, इंटरेस्ट फ्री है ये, इसका मतलब 0% इंटरेस्ट, तो उसका बेनिफिट कितना हो गया सर? बेनिफिट पूरा का पूरा हो गया 12.25%, और ये 12.25%
टैक्सेबल हो जाएगा उसके हाथ में 6 महीने के लिए इंटरेस्ट जितना बचा है उसका। आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 50,000 गिवन ऑन 1 जनवरी 2023 नो रिपेमेंट मेड। एसबीआई का रेट था 15.25%, तो ये भी बेनिफिट 15.25 ही है, सेम ही है ये भी पॉइंट। अगला लिखा हुआ है सर, हाँ जी, ये जो कंप्यूटर परचेज किया है इसकी डब्ल्यूडी भी लेंगे और रेंजर पे लगा, क्यों? आपके हाथ में बेनिफिट क्या है पहले ये बताइए। है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन का जो इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ा ना, वो है टैक्सेबल आपके हाथ में। आप पता किससे कंफ्यूज हो गए? सेल ऑफ मूवेबल एसेट से, तभी आप मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूडीवी लेंगे या ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, वो अलग पॉइंट है बेटा। यहाँ पे हम लोन दे रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर कंसंट्रेट मत करो, लोन के ऊपर कंसंट्रेट करो और उसके ऊपर बचे हुए अमाउंट के ऊपर करो, यानी कि क्या इंटरेस्ट हमारा बच गया। जी बच गया। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ क्लब, ठीक है जी। इनिशियल फी वॉज 1 लाख रुपीज पेड बाय कंपनी, बाबू पेड बिल्स फॉर हिज यूज ऑफ क्लब फैसिलिटी, ठीक है जी। आने वाले जो बिल्स है वो बाबू खुद ही पे करेगा, लेकिन इनिशियल किसने पे किया? कंपनी ने। अच्छा ये क्या होता है, इसके रूल्स क्या कहते हैं? इसके रूल्स कहते हैं विद इन द ऑफिस प्रीमिसेस मिलेगा तो एग्जम्प्ट, आउटसाइड मिलेगा तो फुली टैक्सेबल। और ये दिया कहाँ जा रहा है जी? क्लब में दिया जा रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, 1 लाख रुपए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए। Thank you.